गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रति सप्ताह के क्वेश्चन नंबर 15 से। इसके पहले मैंने प्रति सप्ताह का एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बिल्कुल कांसेप्ट के तरीके से कराने वाला हूं, आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन 100% आने हैं, और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अंतिम घोषित कर दिया गया, कुल गुणांक कितना था यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा, आपको बताना है कि कुल गुणांक कितना था। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल गुणांक था उसको मैं मान लेता हूँ 1000, कि परीक्षा का जो टोटल गुणांक था उसको मैंने मान लिया 1000। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला है उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट यदि गुणांक यश का 45% अंक प्राप्त कर लेता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन राम के साथ क्या होता है, राम जो है गुणांक का 30% अंक पाता है लेकिन वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यानी कि यदि राम को 60 नंबर और मिल जाता तो राम भी उत्तीर्ण हो जाता। तो राम को उत्तीर्ण करने के लिए 60 नंबर इसको हम और दे देते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 45% नंबर जो है वो आपका यक्ष का 30% प्लस का 60 के बराबर है, क्योंकि उत्तीर्ण होने की जो क्राइटेरिया है वो आपका गुणांक का 45%, और राम के साथ क्या होता है कि वो 30% नंबर पाता है लेकिन 60 नंबर कम पाता है तो फेल हो जाता है। तो मैंने उसको 60 नंबर दे दिया जिससे यह भी उत्तीर्ण होने की क्राइटेरिया को पार कर गया। अब ध्यान से समझो, अब देखिएगा यहाँ पर यक्ष गुणे 45% का मतलब होता है 1/100, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, बराबर यक्ष गुणे 30/100 हो जाएगा और प्लस का 60 हो जाएगा। अब देखिएगा यक्ष वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो तो 45x/100 माइनस का 30x/100 बराबर आपका हो जाएगा 60। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका एलसीएम आएगा 100, 45x में से 30x घटाओगे तो मिलेगा आपको 15x बराबर मिलेगा आपको 60। 15 से काट दो तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 400, यानी कि जो परीक्षा का गुणांक था वो आपका 400 था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया सेम टू सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, बोला है एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना के लिए क्वेश्चन नंबर 16 को सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो परीक्षा का गुणांक है वो आपका एक्स। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो, बोला है सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। तो सीता जो है गुणांक का 30% नंबर पाती है लेकिन क्या होता है
फिर बोला है कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए, तो राम जो है पुराण का 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसका जो नंबर आया है वह उत्तरी रोमनों के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा है। यानी कि राम के 40% अंक में से 20 नंबर में घटा दूं तो यह उत्तरी होने का क्राइटेरिया पार करेगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। जो सीता है वह 30% अंक पाती है लेकिन 50 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती, तो मैं 50 नंबर सीता को और दे दिया जिससे सीता उत्तीर्ण हो गई। राम के साथ क्या होता है, 40% अंक पाता है लेकिन उत्तीर्ण होने का जो क्राइटेरिया है उससे वह 20 अंक ज्यादा पाता है, तो मैंने क्या किया 20 नंबर कम कर दिया जिससे राम भी उत्तीर्ण होने की क्राइटेरिया में आ गया। अब दोनों को आप सॉल्व कर लो, देखो x का 30% यानी कि आपका हो जाएगा x गुणे 30 का 100 और प्लस का 50 बराबर x गुणे 40 का 100 और माइनस का 20। अब यहाँ से ध्यान से समझना, a माइनस वाली वैल्यू इधर लाओ तो 50 और माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 यानी 70 हो जाएगा, और x वाली वैल्यू को एक तरफ करो तो 40x बटे का 100 माइनस का 30x बटे का 100। अब सॉल्व करो तो यहाँ से आपको मिलेगा 70, एलसीएम आपको मिलेगा 100, 40x में से 30x लगाओगे तो मिलेगा आपको 10x, ये आपका 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 700। यानी कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो आपका 700 है। आपको यह बताना है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक तो यही है, तो आप निकाल दो x की वैल्यू आपका है 700, तो 700 का 30% और प्लस का इसमें जोड़ दो 50 नंबर, यही आपका उत्तीर्ण होने की क्राइटेरिया है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल तो क्या मिलेगा 7×21 यानी 210 प्लस का 50, तो 210 और 50 कितना हो गया 260। यानी कि 260 नंबर परीक्षा पास होने की क्राइटेरिया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कांसेप्ट के तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं हिंदी को मैं डिनोट करूंगा एच से, और जो आपका इंग्लिश है इसको मैं डिनोट करूंगा ई से। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बोला गया 45% विद्यार्थी हिंदी में, यानी कि हिंदी में जो है 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं और इंग्लिश में आपका 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। फिर आगे बोला गया है दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, तो आपको दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, यदि मैं बात करूं बिना आरएसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ए मान लीजिए आपका हिंदी का ग्राफ है, ए आपका हिंदी वाला गोला है और ए आपका इंग्लिश वाला गोला है, ए आपका हिंदी वाला गोला है और ए आपका इंग्लिश वाला गोला है, तो हिंदी में तो 45% अनुत्तीर्ण होते हैं और इंग्लिश में आपका 35% अनुत्तीर्ण होते हैं, और दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण है वो आपका 25%, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है ए वाला वैल्यू, यानी कि 25% जो है वो आपका दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो आपको उत्तीर्ण होने वाले की संख्या बताना है। तो डियर स्टूडेंट एक बात आप ध्यान से जो सोचिए, जो आपका 25% वाली वैल्यू है इसमें से कुछ आपका 45 से होगा और कुछ आपका 35 से होगा, यानी कि जो 25% है इसमें से कुछ विद्यार्थी हिंदी वाले भी होंगे और
कुछ विद्यार्थी आपका इंग्लिश वाले भी होंगे, तो अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या क्या होगी? 45 प्लस का 35 और माइनस का 25, क्योंकि जो आपका 25% है ये आपका दोनों में है, यानी हिंदी वाले भी है और इंग्लिश भी वाले भी है, यानी कि हमको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अनुत्तीर्ण होने वाले में से आपको 25 घटा देना है, क्योंकि 25 जो निकल कर आया है वह दोनों विषयों से निकल कर आया है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 45 और 25 जोड़ोगे तो 80 आएगा, 80 में से 25 घटाओगे तो आपको मिलेगा, 80 में से 25 घटाओगे तो आपको मिलेगा 55%, यानी कि फाइनली आपने निकाल लिया कि 55% जो विद्यार्थी है वो आपका अनुत्तीर्ण हो रहा है, 55% विद्यार्थी आपका अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो टोटल आपका 100% विद्यार्थी थे, इसमें से 55% विद्यार्थी तो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो कितने पास होंगे? 45% पास होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको बिन आगे से मैं ये समझाने का बिल्कुल शानदार तरीके से प्रयास किया है। अब देखिए अगर ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति रुपया 10 में 48 नारंगियां अधिक खरीद सकता है, नारंगियों का नया तथा पुराना मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ कि नारंगी का प्रारंभिक मूल्य आपका एक्स था, तो सबसे पहले मानेंगे डियर स्टूडेंट नारंगी का, एक नारंगी का लिखिए, एक नारंगी का प्रारंभिक मूल्य में मान लेता हूं कि एक नारंगी का जो प्रारंभिक मूल्य था वो आपका एक्स। फिर क्वेश्चन में यह बोला गया है कि 20% की कमी हो जाने से, यानी कि नारंगी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो लिखेंगे 20% की कमी होने पर, कमी होने पर एक नारंगी का मूल्य, एक नारंगी का मूल्य, एक नारंगी का मूल्य, तो 20% की कमी होने पर एक नारंगी का मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो पहले तो एक्स था, इसमें आपका 20% की कमी हो जाती है, तो 20% की कमी निकालो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20/25, यानी मिलेगा एक्स माइनस का एक्स बटे 5, तो फाइनली मिल जाएगा आपको 4x/5, यानी कि नारंगी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद एक नारंगी का मूल्य आपका 4x/5। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूल्य में कमी होने के कारण रुपया 10 में 48 नारंगियां अधिक खरीद कर लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि 10 रुपया में कितनी नारंगियां आया प्रारंभ में, तो प्रारंभ में 10 रुपया में नारंगियों की संख्या, तो नारंगियों की संख्या क्या होगा, तो नारंगियों की संख्या होगा वो आपका 10/x के बराबर होगा, क्योंकि 10 रुपया में आपको नारंगी की संख्या निकालना है, तो 10 और एक नारंगी का मूल्य मैंने माना है x, ये कब का है, जब आपका रेट घटाना ही है तब का है। अब हम डियर स्टूडेंट निकाल लेते हैं 20% की कमी होने के बाद, कमी होने के बाद 10 रुपया में नारंगी की संख्या, 10 रुपया में नारंगियों की संख्या, तो 20% की कमी के बाद 10 रुपया में नारंगियों की संख्या क्या होगा, 10 और 20% की कमी के बाद एक नारंगी का मूल्य जो है वो आपका 4x/5 है, तो ये आपका 5 ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको 50/4। अब आप ये बताइए नारंगी की संख्या कहाँ ज्यादा मिलेगा,
जब 20% की कमी होगी तो आपको ज्यादा नकदी मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका प्रारंभिक मूल्य है तो यहाँ पर आपको नकदी कम होगा, और जब 20% की कमी हो जाएगी तो 10 रुपया में आप ज्यादा नकदी लाएंगे। तो यहाँ पर जो 10 रुपए के बीच का डिफरेंस आ रहा है नारंगियों में, वो आपको 48 का आ रहा है, यानी कि 50/4 x नारंगी लाता है। तो जब 20% की कमी हो जाती है और प्रारंभ में वो नारंगी कितना ला रहा था तो 10/x का, और इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 48। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आने की बोल रखा है कि 20% की कमी होने पर 10 रुपया में 48 नारंगी कम लाता है, तो 20% की कमी वाली वैल्यू ए है, नारंगियों की संख्या ए है और प्रारंभिक नारंगियों की संख्या ए है, तो 20% पे कमी पर नारंगियों की संख्या में से प्रारंभिक नारंगियों की संख्या मैंने घटाया, जिसका मान आपका 48 के बराबर है। अब सॉल्व कर लो तो एलसीएम आपका आपका आएगा 4x, ये आपको मिलेगा 50 - 40 = 48। अब देखना 50 में से 40 घटाओगे तो मिलेगा आपको 10/4x बराबर आपको मिलेगा 48। तो यहाँ से आप 2 से काट लो तो 2 × 5 = 10, ये 2 × 2 = 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x × 48 बराबर आपको मिलेगा 5। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 5/96, x बराबर आपको मिल गया 5/96 रुपया। लेकिन आपका जो आंसर दिया है वो पैसा में, तो करते क्या है, पैसा में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर 5/96 है, पैसा में गुणा करने के लिए मैं 100 से गुणा कर दिया, यानी एक नारंगी का जो मूल्य है वो आपका 500/96 के बराबर है। लेकिन जितने भी ऑप्शन आपको दे रखा है टोटल दर्जन में है, तो एक दर्जन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 12 से गुणा कर दो, तो 12/96 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 500/8 से काटो तो 8 × 48 बचेगा 20, बचेगा आपका 20, तो 8 × 2 कितना होगा 16, फिर 8 × 5 = 40, यानी कि एक दर्जन नारंगी का जो प्रारंभिक मूल्य है वो आपका 62.5 पैसा प्रति दर्जन है, पैसा प्रति दर्जन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कांसेप्ट से सॉल्व करना था। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्वेश्चन नंबर 18 से ही बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए, तो 10% का वृद्धि का मतलब यह है आपका डियर स्टूडेंट 100 से 110 हो रहा है, तो मैंने मान लिया त्रिभुज का आधार 100 था, तो 10% की वृद्धि के बाद आपका 110 हो गया। फिर आगे बोला गया है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल तो आपको वही रखना है, यानी कि यदि आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल 100 है तो आपका घटने और बढ़ने के बाद भी आपको क्षेत्रफल 100 रखना है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊंचाई में जो कमी है वो आपका x से y, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा ये आपका 100 से 100 काट दो, यहाँ से आप 0 से 0 काट, तो यहाँ से आप देखेंगे मिलेगा आपको 10 से 11 और x से y, यानी कि ऊंचाई में जो परिवर्तन आ रहा है कितना 10 से 11 बढ़ना है, लेकिन आपको क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो करेंगे क्या, ऊंचाई को हम लोग घटा करके 11 से 10 कर देते हैं,
ऊंचाई को हम लोग घटा करके 11 से 10 करेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल समान रहेगा। तो 11 से 10 करने में एक की कमी करना पड़ेगा, इस पर 11 पर परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो तो मिलेगा आपको 100 बटे का 11 है। तो 11 9 99 और 1 बटे 11 यानी कि 100 बटे 11 को 9 सही 1 बटे 11 परसेंट के बराबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, सेम कांसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रखा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 को समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है वर्ग की भुजा पे 20% घटा दिया जाए तो आपको पता है जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है, जिसको आप a गुणे a लिख सकते हैं। बोला है वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए यानी 20% यहाँ पर भी कमी होगा और 20% यहाँ पर भी कमी होगा, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगा एक बार 100 से 80 होगा, फिर दूसरी बार भी आपका 100 से 80 होगा। कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको दो स्टेप में लेना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है या तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा या तो आपका भुजा का स्क्वायर होगा, तो दो स्टेप में चलता है। जैसे मैंने आपको बताया वर्ग की भुजा में बोला गया है 20% घटा दिया है तो पहली भुजा को 20% घटाया होगा और दूसरी भुजा को 20% घटाया होगा, यानी कि पहली भुजा के लिए 100 से 80 हुआ होगा और दूसरी भुजा के लिए भी 100 से 80। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, यानी 10 से आपका 8 होगा, ये 10 से आपका 8 होगा। तो यहाँ पर एक बार और कैसे कर दो याद दिलाने को, तो ये आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल है और ये आपका परिवर्तन के बाद का क्षेत्रफल है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका आएगा 100 और परिवर्तन के बाद का क्षेत्रफल आपका आएगा 64। तो कितने की कमी हो रही है, 36 की कमी हो रही है, किस पर, 100 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो कितने परसेंट की कमी, क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को बोला है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी आयत की मैंने मान लिया कि जो प्रारंभिक लंबाई थी वो आपका 100 था, 10% की वृद्धि करने पर इसकी लंबाई आपका हो गया 100। फिर आगे बोला है चौड़ाई में 30% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी, तो मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक चौड़ाई 100 था, अब 20% की कमी करने पर चौड़ाई आपका 80 हो गया। तो आपको बताना है प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी कितना होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 10 से 10 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ध्यान में रखिएगा पैरेलल में काटिएगा। जैसे मैंने 10 से 10 काटा, 10 से 10 काटा, ऐसा मत कीजिएगा कि 10 से 10 को काटिए, ऐसा नहीं करना है। पैरेलल में आपको काटना है, यानी इधर का काटिए फिर इधर का काटिए फिर इधर का फिर इधर का। तो यहाँ पर आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आएगा 100 और परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल कितना आएगा 88। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पहले क्षेत्रफल आपका 100 था और 10% बढ़ने और 20% घटने के बाद क्षेत्रफल आपका 88 आ रहा है, यानी कि टोटल जो है 12% की कमी आ रही है, किस पर, 100 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, 100 से 100 कैंसिल, तो फाइनली जो क्षेत्रफल में कमी आएगी वो कितने परसेंट की कमी आ रही है, 12% के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है वो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। बोला गया है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 20% की वृद्धि की गई तथा एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तब कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी यह आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिएगा। पहले क्या किया जा रहा है, सिनेमा घर की सीटों में वृद्धि की जा रही है, फिर टिकट के रेट में वृद्धि की जा रही है, यानी कि जो टोटल फायदा हो रहा है वो आपका सिनेमा घर से ही हो रहा है। तो कभी भी आपका एक ही चीज के लिए बोला जाए, जैसे यहाँ पर सिनेमा घर की बात हो रही है, पहले सिनेमा घर की सीटों को वृद्धि कर रहा है फिर टिकट में वृद्धि कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो बोला है सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो सिनेमा घर की सीटें थी वो आपका 100 थी, अब 25% की वृद्धि के बाद सिनेमा घर की सीटें कितनी हो जाएगी 125। फिर बोला है टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो मैं मान लेता हूँ टिकट का जो प्रारंभिक मूल्य था वो आपका 100 था, 10% की वृद्धि के बाद टिकट का मूल्य जो हो गया वो आपका 110। अब देखो 25 से काटो 25 चौका 100 और 25 बचे 125, ये आपका 0 से 0 कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर देखो पहले जो है सिनेमा घर में कितनी प्रॉफिट हो रही थी, मतलब कितना रिवेन्यू हो रहा था वो आपका 40 आ रहा है, और अब कितना हो गया 11 बचे 55, यानी कि पहले जो सिनेमा घर से 40 की कमाई हो रही थी और घटने और बढ़ने के बाद आपका 55 की कमाई हो रही थी, कितने की वृद्धि हो रही है 15 की वृद्धि हो रही है। इस पर 40 पर परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, 1 0 से 1 0 काटो तो 15 दहिया में आपको मिलेगा 150 बटे का 4, 2 से काटो 2 × 4 ये आपका 75 बार में करेगा तो 75 बटे का 2 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो इस तरीके से सिनेमा घर में जो आय में वृद्धि होगी वो आपका 37 सही 1/2% को 37.5% भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सिनेमा घर की आय में जो वृद्धि होगी वो आपका 37.5% यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रखा है किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% हिंदू है, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष आपका ईसाई है, ईसाइयों की संख्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी आपका 600 है, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल विद्यार्थी जो होंगे वो तो आपका 100% के बराबर होंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि यहाँ पर टोटल विद्यार्थी दे रखा है वो आपका 600, यानी 100% की जो वैल्यू है वो आपका 600 के बराबर। अब क्वेश्चन को समझो, बोला है 72% हिंदू है, हिंदू कितने हैं, हिंदू जो है वो आपका है 72%, उसके बाद से 16% मुसलमान है, तो मुस्लिम कितने हैं, मुस्लिम जो है वो आपका 16% है, उसके बाद से सिख कितने हैं, सिख जो है वो आपका है 3%, और बोला है शेष ईसाई। तो टोटल 100% विद्यार्थी है, 100% में डियर स्टूडेंट 72% हिंदू है, 16% मुस्लिम है और सिख आपका 3% है, तो ये कितना आ रहा है, 6 × 3 = 11 और 7 = 9, यानी कि हिंदू मुस्लिम और सिख मिलाकर के टोटल 91% विद्यार्थी है, और टोटल विद्यार्थी आपका 100% दे रखा है, तो ईसाई कितने परसेंट होंगे, ईसाई जो होंगे वो आपका 9% होंगे, क्योंकि 91% में तो हिंदू मुस्लिम और सिख है तो बचे का 9% ईसाई होंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 100% की जो वैल्यू है वो
वो आपका है 600, डबल जीरो से डबल जीरो काटो तो 1% की वैल्यू आपका आया 6। आपको निकालना है 9% की वैल्यू, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54। यानी कि जो सिख की संख्या, सॉरी जो ईसाई विद्यार्थियों की संख्या है वो आपका 54 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखना क्वेश्चन नंबर 24 को बोला है, एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर 5 सही 1/2% निकाल दिया, तब उसका उत्तर 220 था। सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 को समझिएगा। जब उसको बोला गया 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए, लेकिन वो गलती से करता क्या है, 5 सही 1/2% निकाल देता है। तो 5 सही 1/2% निकालता है तो उसका जो उत्तर आता है वो आपका 220 आता है। यानी कि जब वो 5 सही 1/2% निकालता है तो उसका जो है उत्तर वो आपका 220 आता है। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या। तो बस यही से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 5 सही 1/2% की वैल्यू आपको दे रखा है 220। तो इसको आप सॉल्व करो तो 11/2% की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका आ जाएगा 220। 11 से काटो तो 11 × 22 0 हो जाएगा। यानी कि आपको मिलेगा 1% की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको मिलेगा 40। यहाँ तक आपको समझ में आया, 1% की वैल्यू आपको मिलेगा 40। अब देखिएगा सही उत्तर बताना है तो सही में उसको कितना निकालना था, सही में उसको निकालना था 3 सही 1/2%। तो 3 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 7/2%। अब आपको 1% की वैल्यू पता है 40 रुपया, तो 7/2 × 40 कर दो तो 2 20 40 होगा, तो 20 × 7 करोगे तो 140। यानी कि जो सही उत्तर था वो आपका 140 था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप ध्यान से समझिएगा। ए बी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। बोला है दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। तो ध्यान से समझिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है आय का 80% खर्च कर देता है, तो सबसे पहले ये आपका आय है और ये आपका खर्च करता है, तो आय में से जब खर्च घटाते हो तो बचत मिलता है, तो वही आपका बचत होता है। तो किसी भी व्यक्ति की या कोई भी हो उसकी आय हमेशा 100% माना जाता है, चाहे कोई वस्तु की बात कर लो या किसी की आय की बात कर लो। तो मैंने मान लिया कि जो दिनेश की आय थी वो आपका 100% था। बोला है 80% खर्च कर देता है तो 100% बाबू कमा रहा है और 80% खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना होगा, बचत जो होगा वो आपका 20% के बराबर होगा। क्योंकि आय में से जब आप खर्चा निकालते हो तो ही आपको बचत का पता चलता है कि कितना बचा है। अब क्वेश्चन को आगे ध्यान से समझिएगा। बोला है आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दो, ये आपका आय 100% था ना, इसमें आप 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दो और खर्चा में कर रहा है 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दो, ये आपका खर्चा है, तो खर्चा में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दो। तो आपको बताना है कि अब उसका प्रतिशत बचत क्या। तो ध्यान से समझो,
16 सही 2/3% तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 दिया 4 दो 50/3% के बराबर, तो इसको आप कर दो 50/3% के बराबर। अब देखिएगा 100 पहले था इसमें 50/3% की वृद्धि कर दो, तो 100 का 50/3% की मैंने वृद्धि कर दिया, तो 100 से 100 कैंसिल, तो यहां से मिलेगा आपको 100 प्लस का 50/3, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 350/3%, यानी कि जब उसकी आय में 50/3% यानी कि 16/3% की वृद्धि होगी तब उसकी आय जो आएगी वो आपका आएगा 350/3%। अब खर्चा में क्या होता है, 37/2% की वृद्धि हो जाती है, तो 37/2% को आप लिख सकते हैं 37 × 74 = 75/2%। अब 80 में आप 75/2% को बढ़ा दो, देखो कितना आ रहा है खर्चा, तो पहले तो 80 था, अब 80 का 75/2% की वृद्धि कर दो, कर दिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 × 4 = 8, एक का 2 × 2, फिर ये आपका हो जाएगा 80 प्लस का 4 × 75/10, तो 5 से काटो 15 × 75, अब 5 × 10 और ये आपका हो जाएगा 2 × 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 80 प्लस का 15 × 30, 80 और 30 जोड़ोगे 110, यानी कि अब जो है उसका खर्चा है वो आपका 110 आ रहा, तो आपको बचत बताना है, तो देखिएगा ये इतनी उसकी आय है, यानी कि 350/3% उसकी आय है और खर्चा करता है 110% के बराबर, तो घटाओगे यानी आय में से खर्चा घटाओगे तो ही तो पता चलेगा कितना बचत है, तो एलसीएम तो आएगा आपका 3। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा 350 माइनस का 330, तो 350 में से 330 घटाओगे तो मिलेगा आपको 20/3, यानी कि अब जो है उसकी बचत है, अब जो उसकी बचत है वो आपका 20/3% के बराबर, तो आपको परसेंटेज में बताना है अब उसकी बचत क्या होगी, तो बचत किस पे होती है, जो आपका बचत होता है वो आय पर होता है, तो 20/3% की बचत हो रहा है किस पर, आय पर, तो 350/3, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए करोगे आप 100 से आप गुणा करोगे, तो देखो 3 से 3 कैंसिल तो मिलेगा आपको 20/350 × 100 हो जाएगा, ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 5 से काट लो तो 5 × 6 = 100, 5 × 35 तो मिलेगा आपको 40/7, 40/7 को किस मिनट में करो तो मिलेगा 5 × 5/7, यानी कि 5 × 5/7% की बचत होती है, कब, जब उसकी आय को 50/3% की वृद्धि कर देते हैं और खर्चा में भी 75/2% की वृद्धि कर देते हैं तब उसका बचत 5 × 5/7% के बराबर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 को समझिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 को, ए की आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है, यदि बी की मासिक आय 78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी है ये आपको बताना है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 को समझिएगा, बोला है ए की मासिक आय बी की मासिक आय का 60%, ए की जो मासिक आय है वो आपका बी की मासिक आय का 60%
और आगे होगा है और सी की मासिक आय है 120 बचे, यानी ए का ही जो मासिक आय है वो सी का 120% के बराबर है। और क्वेश्चन में दे रखा है यदि बी की मासिक आय जो है वो आपका 78,000 के बराबर है तो आपको बताना है सी की मासिक आय क्या है। तो यहाँ से देखिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से ए और बी में अनुपात निकालो, तो ए और बी में आप अनुपात निकालोगे तो मिलेगा आपको 6/10। यहाँ से देखो जीरो से जीरो काट दो, यहाँ से ए और सी में अनुपात निकालोगे तो मिलेगा आपको 12/10। तो यहाँ से आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ए का मान 6 है और यहाँ पर ए का मान 12 है, तो दोनों को हम बराबर करते हैं। तो करते क्या है, एक बार और कैंसिल कर लीजिए, तो 2 × 6 = 12 है और 2 × 5 = 10, यानी कि 6/5 हो जाएगा, यानी कि आपका 6/5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह बराबर, ए का मान 6 है, ए का मान 6 है, बी का मान 10 और सी का मान 5। बोला है बी का जो मासिक आय है वो आपका 78,000, तो बी का रेशियो में मासिक आय कितना है, बी का रेशियो में मासिक आय आपका 10 है और 10 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका 78,000 के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपका मिल गया 7800 के बराबर। आपको सी की मासिक आय निकालना है ना, तो सी का जो रेशियो है वो 5:1, तो एक रेशियो बराबर 7800, तो 5:1 का निकाल लो, तो दोनों साइड हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 × 0 = 5, 5 × 40 = 0, 0 अब 5 × 7 = 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, यानी कि जो सी की मासिक आय है वो आपका 39,000 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका इस प्रकार से है, प्रदीप के इतिहास में प्राप्तांक गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर है तथा गणित में उसके अंक उसे भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर है। यदि तीनों विषयों में कुल प्राप्तांक 147 हो तो इतिहास में उसके कितने अंक हैं, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं इतिहास को मानूंगा, इतिहास को हम लोग डिनोट करेंगे एच से, और जो आपका गणित है इसको मैं डिनोट करूंगा यम से, और जो आपका भौतिकी है इसको मैं डिनोट करूंगा पी से। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बोला है प्रदीप के इतिहास में प्राप्त गणित में उसके अंकों के 60%, यानी प्रदीप का जो इतिहास में प्राप्तांक है इसका गणित में अंकों का 60% के बराबर है। और फिर आगे बोला है गणित में उसके अंकों के प्राप्तांक, गणित में उसके अंकों के प्राप्तांक भौतिकी में अंकों के प्राप्तांक का 60% के बराबर है। और बोला है यदि इतिहास गणित और भौतिकी तीनों को मिलाकर 147 नंबर पाता है तो इतिहास में कितना नंबर पाया है ये आपको बताना है। तो देखो जीरो से जीरो काटो, फिर दो से काटो, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो यानी कि यक्ष अपान यम की जो वैल्यू आ गई वो आपको मिल गया 3/5। यहाँ पर जीरो से जीरो काटो, दो से काटो, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो यहाँ से आपको मिलेगा यम अपान पी की जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 3/5। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर यम का मान 5 है और यहाँ पर यम का मान 3 है, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों जगह मैथ का रेशियो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए करते क्या है, इसमें हम 3 से गुणा और 3 से भाग कर देते हैं और इसमें हम 5 से गुणा 5 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9/15 और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 15/25। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मैथ का रेशियो 15 है और यहाँ पर भी मैथ का रेशियो 15 है। अब देखिएगा वहां पर वो इतिहास गणित और भौतिकी तीनों को मिलाकर 147 नंबर पाता है। इतिहास का कितना रेशियो है, इतिहास का 9:1 पाता है और मैथ में वो 15:1 के बराबर नंबर पाता है और फिजिक्स में वो 25:1
बीजों के बराबर नंबर पाता है और ए बराबर है आपका 147 नंबर का, तो 25 15 40 और 9 कितना होगा, 40 9 होगा आपका 49:0, यानी 49:0 का जो मान है वो आपका 147 के बराबर है। 49 दिया होता है आपका 147, यानी 1:0 की जो वैल्यू आ गया वो आपका 3 नंबर के बराबर, 1:0 का जो वैल्यू आ गया वो आपका 3 नंबर के बराबर आ गया। आपको बताना है इतिहास में कितना नंबर पाया, तो इतिहास का जो रेशियो है वो आपका 9 है और 1:0 की वैल्यू आपका 3 है, तो 9 × 3 करोगे कितना मिलेगा 27, यानी कि इतिहास में उसने 27 नंबर पाया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा। बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहले से छोटी है ये आपको बताना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 को समझिएगा, तीन संख्याएं हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये आपका तीसरी संख्या हो गई। क्वेश्चन में बोल रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो तीसरी संख्या मैं मान लेता हूँ 100% है, 20% और 25% छोटी है ना, तो पहली संख्या आपका 80% होगा और दूसरी संख्या आपका 25% होगा, सॉरी 75% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दूसरी संख्या पहली से छोटी है, दूसरी संख्या पहली से छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना छोटी है, 5 छोटी है, किससे, 80 से, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करो, ये आपका 0 से 0 कैंसिल, तो मिलेगा आपको 50/8, 2 से काटो तो मिलेगा आपको 25/4, इसको आप क्या लिख सकते हो 6 सही 1/4% के बराबर। इस तरीके से 6 सही 1/4% छोटी है दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराया और आपको एक भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डियर स्टूडेंट इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रति सप्ताह से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आएंगी। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।